हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जी मल्टीवर्स। तो दोस्तों आज आपको जैसे ही थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम लोग करने जाने वाले दोस्तों पाथफाइंडर बिल्डअप का नंबर 13 और काइनेमेटिक्स का करेंगे आज। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, 13 मतलब इसमें बहुत इतने हार्ड सवाल नहीं है, सिर्फ हमें ग्राफ को केयरफुली ऑब्जर्व करना है और दो तीन कंसेप्ट लगाने हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए बिना किसी देरी के पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिख जाएगा और बाद में मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, समझ गए दोस्तों। तो क्वेश्चन में कहता है, टू स्टडी इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस अ रबर बॉल वॉज शॉट वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ स्प्रिंग गन फ्रॉम 28th फ्लोर ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। वेलोसिटी ऑफ द बॉल वॉज रिकॉर्डेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड द डेटा ऑब्टेंड वर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर। सम ऑफ द मार्किंग ऑन द एक्सिस आर इरेस्ट एज शुड इन द फॉलोइंग फिगर। विथ व्हाट स्पीड डिड द बॉल स्ट्राइक ग्राउंड। समझ गए दोस्तों। तो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन क्या कह रहा है वो बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें जो मतलब हमें दोस्तों वो वेलोसिटी मतलब हमें पूछा क्या गया है कि वो ग्राउंड पे स्ट्राइक क्या करेगा। तो क्वेश्चन में बोला है एक 20th फ्लोर का मतलब 20 एक बिल्डिंग होगा उसका ये 20th फ्लोर है, उधर से हमने एक स्प्रिंग गन लेके एक ऊपर बॉल प्रोजेक्ट किया। समझ गए दोस्तों, बॉल एक हमने ऊपर प्रोजेक्ट किया, ठीक है। 20th फ्लोर था एक बिडॉल बिल्डिंग का और हमने उसको प्रोजेक्ट किया, तो ये वर्टिकली अपवर्ड्स बोला है तो इसका मतलब ऐसा मोशन हो जाएगा सीधा, मतलब ऊपर जाके नीचे ही गिरेगा। तो हमें उसका क्या दिया गया है दोस्तों, हमें उसका ग्राफ हमें दिया गया है, समझ गए। उसकी वेलोसिटी और टाइम के साथ जो ग्राफ है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, समझ गए। तो अभी दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं वो ग्राफ तो बना नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे आपको मेरी बुक में ही मतलब ग्राफ में एकदम ऐसे अच्छे से ऑब्जर्व कराता हूँ, ठीक है। मेरे ग्राफ जो है उसमें एकदम अच्छे से आपको ऑब्जर्व कराता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा सवाल है 13th नंबर का। तो इसमें अभी देखो, अभी इसमें हमें एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि इसमें वेलोसिटी ज़ीरो कब हो रही है, इसमें वेलोसिटी ज़ीरो कब हो रही है। वेलोसिटी ज़ीरो यहाँ पे हो रही है टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ध्यान से देखो ये वेलोसिटी ज़ीरो है और टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे ज़ीरो है, ठीक है। तो अभी इफ वी सी ग्राफ केयरफुली वेलोसिटी ज़ीरो एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, ठीक है। वेलोसिटी ज़ीरो कब है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे, समझ गए दोस्तों। वेलोसिटी टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे ज़ीरो है। तो अभी एक अगर आप अपने दिमाग से सोचो तो वेलोसिटी ज़ीरो कब होती है, अपने मोशन मतलब ये प्रोजेक्ट किया और उसके हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है, समझिए। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, इफ़ वे सी ग्राफ केयरफुली वेलोसिटी ज़ीरो एट टी इक्वल टू 2, इट मीन्स एट टी इक्वल टू 2 इट इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है दोस्तों। ये मैं बोल सकता हूँ इट इज एट इज हाईएस्ट पॉइंट। अगर हम ग्राफ को देखें तो वेलोसिटी जीरो होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो वो टी इक्वल टू 2 पे है, तो टी इक्वल टू 2 पे वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, समझ गए। इतना आपको पता चल जाना चाहिए अभी, ठीक है। तो अभी हाईएस्ट पॉइंट पे है और उसकी वेलोसिटी जीरो है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें एयर रेजिस्टेंस मतलब एयर रेजिस्टेंस लगता है, समझ गए। टू स्टडी इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस मतलब इसमें एयर रेजिस्टेंस है बेसिकली, मतलब एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस का एयर रेजिस्टर के कारण जो हमारा क्या बोलते हैं उसको डेसिलरेशन जो आता है, जो मतलब उस एयर रेजिस्टेंस के कारण जो कम होता है वो क्या होता है दोस्तों, माइनस ऑफ केवी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब kV to the power n होता है, ठीक है। मतलब कोई भी एयर रेजिस्टेंस विस्कस फ्लूइड होता है उनके कारण जो इफेक्ट आता है डेसिलरेशन में वो ऐसा आता है माइनस kV to the power n। तो हाईएस्ट पॉइंट पे दोस्तों वेलोसिटी क्या है, जीरो है। हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है दोस्तों, जीरो है। तो ये पूरा एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो इस पर सिर्फ एक ही फोर्स नीचे लग रहा होगा, वो होगा ग्रेविटी, ठीक है। इस पर मतलब ग्रेविटेशनल ग्रेविटी ही लग रही होगी जो उसको नीचे की तरफ एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगी, ग्रेविटी, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया, एक्सीलरेशन माइनस kV to the power n होता है, ये आप याद भी रख सकते हो वरना आपको एक आध सवाल में मिल भी जाएगा, ठीक है, करने के लिए। तो ये मतलब आपको सिर्फ ये तो ऑब्जर्व हो गया कि ऊपर सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तब सिर्फ नीचे की तरफ उस पर जी लग रहा होगा,
इसका एयर रेजिस्टेंस का कुछ इफेक्ट नहीं होगा। और तो अभी हम वापस ग्राफ की ओर अगर थोड़ा सा जाए, ग्राफ की ओर अगर हम जाए तो ग्राफ की ओर जाए तो अभी मैंने बोला t इक्वल टू 2 सेकेंड जो कि उसका हाईएस्ट पॉइंट है, जो मतलब t इक्वल टू 2 पे वो हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो अब उस पर सिर्फ g एक्ट करेगा, ठीक है, ओनली g एक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ g एक्ट करेगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालना चाहूँ, इस लाइन का अगर मैं क्या दोस्तों स्लोप निकालना चाहूँ, तो अगर मैं इस ग्राफ को मतलब ये जो यहाँ पे है ये कुछ ऐसा होगा, अगर आप ग्राफ को केयरफुली करोगे ना तो ये y में 2 ब्लॉक है, मतलब ये y में 2 ब्लॉक है और x में 2 ब्लॉक है। मैं आपको जूम करके इतना ही दिखा सकता हूँ, इससे ज़्यादा रुको दोस्तों, हाँ अभी दिखेगा शायद, आराम से एकदम ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा ग्राफ पे है, कुछ इसमें और नहीं है। तो इसमें दोस्तों देखो पॉइंट वाला ये तो इसमें एक तो देखो ये y वाला 1 ब्लॉक और ये वाला दूसरा y में 2 और x में भी 2, ठीक है। x में यहाँ से देखो ये वाले पॉइंट से यहाँ तक 2 तक और 2 से बाद में यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। आपको ये मतलब ये 2 y में भी 2 है, y में भी 2y है और ये भी 2x है, समझ गए। अभी रुको मैं वापस वो ले लेता हूँ, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ तो अभी हमें स्लोप ऑफ v बाई टी क्या होता है, स्लोप हमारा मतलब vt ग्राफ का स्लोप क्या हो जाता है, हमारा एक्सीलरेशन, समझ गए दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन के बराबर स्लोप ऑफ v बाई टी, ठीक है। vt ग्राफ का स्लोप जो होगा वो हमारे एक्सीलरेशन के बराबर हो जाएगा। तो जस्ट मैंने अभी क्या बोला, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हाईएस्ट पॉइंट पे है, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, तो अब उस पर जो एक्सीलरेशन होगा वो केवल g के कारण होगा। तो अभी इधर मैं एंगल थीटा मान लेता हूँ, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा विल बी 2y बाई 2x इक्वल्स टू, और एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा जी, क्योंकि स्लोप इज वॉट वी बाई टी एंड वी बाई टी इज स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ इज वॉट एक्सीलरेशन, तो इधर जी आ गया। और अभी आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो इसमें वाई एक्सिस की स्केल हमें निकालनी पड़ेगी, वाई एक्सिस की स्केल हमें निकालनी पड़ेगी, स्केल नहीं पता है, मतलब स्केल नॉट नोन लिख देते हैं। और अगर आप एक्स एक्सिस की देखो ना तो हमें स्केल पता है, एक्स एक्सिस की हमें स्केल पता है और वो क्या है 0.5 पर ब्लॉक, मतलब 0.5 पर ब्लॉक आप देख सकते हो। इधर देखो, इधर 0 से 1 में कितने ब्लॉक है, 2, 0 से 1 में कितने ब्लॉक है, 2 ब्लॉक्स आर देयर इन बिटवीन फ्रॉम 0 टू 1, तो एक का कितना हो जाएगा, एक ब्लॉक का कितना हो जाएगा 0.5 सिंपली, ठीक है। मतलब बेसिकली ग्राफ को एनालाइज करना था, ये आपको समझ में आ गया 0.5 कैसे है, बहुत ही बढ़िया। तो अभी इस इक्वेशन में हम रख देते हैं, मतलब y बाई x इक्वल टू 2 टू कैंसिल इक्वल टू 10, तो y का हमारा कितना आ जाएगा 10 इंटू x कितना 0.5, तो 10 इंटू 5 मतलब 5 आ जाएगा 10 इंटू 0.5, वाई के हमारी एक स्केल आ जाएगी 5, ठीक है। इतना आप सबको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि वाई में हमारा जो एक ब्लॉक ही होगा, मतलब 0 से यहाँ तक का वो 5 के बराबर होगा, ठीक है। अब हमें स्केल ऑन एक्स एक्सिस भी बताए, स्केल ऑन वाई एक्सिस भी बताए। अभी आते हैं हम वापस मेन मुद्दे की बात पे, समझ गए। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें निकालना है कि यहाँ से जो बॉल प्रोजेक्ट किया वो नीचे मतलब ग्राउंड पे कितनी वेलोसिटी से टकराएगा, समझ गए दोस्तों। तो इधर हमने प्रोजेक्ट किया, अभी हमें पता है वाई एक्सिस की स्केल कितनी है, वाई एक्सिस की स्केल है 5 और एक्स एक्सिस की कितनी है 0.5, ठीक है, इसका भी काम में आएगा, समझ गए। तो यहाँ से प्रोजेक्ट क्या नीचे जाना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, अगर आप कोई भी चीज ऊपर से जैसे ड्रॉप करते हो तो उसकी क्या दोस्तों वेलोसिटी बढ़ती है, पर इसमें एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट है तो कुछ समय तक उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी पर बाद में वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। मान लो यहां तक उसकी वेलोसिटी बढ़ी, बाद में कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, इसका मैं आपको एकदम अच्छे से एग्जांपल देता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इसका एग्जांपल ये है कि अब बारिश होती है, ठीक है, बारिश में जो ड्रॉप गिरते हैं ऊपर से वो तो बहुत ही ज्यादा हाइट से आते, ठीक है। बारिश होती है उसमें जो पानी के बूंदे गिरती है वो तो बहुत ही ऊपर से आती है, पर इसका मास क्या होता है, इसका मास नहीं, पर तो भी इतनी ऊपर से आती है तो इसकी वेलोसिटी तो कुछ हो जाएगी नीचे तक। तो अगर ये नीचे तक मतलब हमारे इधर मैं खड़ा हूँ तो मेरे तक पहुंचा और उसकी वेलोसिटी बढ़ती ही रही, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ती ही रही तो मेरे शरीर में तो गड्ढा हो जाएगा, क्योंकि इतनी ऊपर से और कॉन्स्टेंटली उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो बहुत फास्ट वेलोसिटी हो जाएगी। और अगर ये मेरे सिर पे गिरा तो मेरे सिर पे तो गड्ढा हो जाएगा,
भले इसका मास नेग्लिजिबल, पर डिस्टेंस तो देखो कहाँ से आ रही है वो बूंद, ठीक है। तो ये मतलब ये एक ऐसा नहीं होता जनरली आपके मतलब वो क्या बोलते हैं फेस पे जो होता है वो गड्ढा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ टाइम तक ये वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, कुछ टाइम तक ये वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, पर कुछ समय ऐसा आएगा इसका मास मान लो एम, तो इसका तो नीचे एम जी लग रहा है, और नीचे आ रही है तो ऊपर लगेगा एफ रेजिस्टिव फोर्स लगेगा। तो ये तो स्टार्टिंग से लग ही रहा होगा एफ आर, पर कुछ टाइम ऐसा आएगा कि जब ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, एम जी जो होगा वो एफ आर से बैलेंस हो जाएगा। तो एम जी जब एफ आर मतलब फोर्स रेजिस्टिव उससे बैलेंस हो जाएगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, कॉन्स्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसमें मेरा कहने का मतलब ये है, जब ये बूंद गिरना चालू हुई तो कुछ टी टाइम तक ये उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और उसके बाद ऊपर जो एफ आर लग रहा होगा और वो नीचे एम जी लग रहा होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और बाद में वो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट कुछ वेलोसिटी से नीचे अपना जो फॉल है उसको कंटिन्यू करेगी। इसीलिए हमारे सिर में गड्ढा नहीं होता, ठीक है, वरना इतनी ऊपर से आ रही है, अब खुद सोच के देखो उसकी वेलोसिटी अगर बढ़ती 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 ही रही तो कितनी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि फोर्स रेजिस्टिव कुछ टाइम के बाद एम जी के बराबर हो जाता है, तो उस पर वेलोसिटी जो होगी वो कॉन्स्टेंट हो जाएगी क्योंकि एक्सीलरेशन इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। अभी तो ये जो वेलोसिटी जो कांस्टेंट हो जाती है उसको ही हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी जब फ्रिक्शन मतलब एफ आर मतलब एफ रेजिस्टिव फोर्स एम जी के बराबर होगा एक्स, तो वेलोसिटी उसके बाद उसकी कांस्टेंट हो जाएगी। आई होप आपको ये जो एग्जांपल दिया मैंने बारिश का वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम ग्राफ देखें तो उसमें भी हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ग्राफ में हमें सीधा सीधा क्या दिख रहा है दोस्तों, ये देखो, पहले तो ऊपर गई मतलब बॉल ऐसे ऊपर गई तो उसकी वेलोसिटी कम हुई, बाद में नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, पर वो नेगेटिव में बढ़ेगी। वैसे आप ध्यान इधर से सोचो ना, ये 20वां मान ला है, इधर से आप बॉल ऊपर फेंकोगे तो उसकी वेलोसिटी कम हुई, ठीक है, जब तक जीरो नहीं हुई, बाद में अपने माइनस में ही बढ़ेगी क्योंकि ये वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी है तो माइनस में ही बढ़ेगी। तो अब ध्यान से देखो इस ग्राफ को, तो ये दोस्तों धीरे धीरे ऐसे कॉन्स्टेंट होती जा रही है, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे ऐसे देखो कॉन्स्टेंट होती जा रही है, यहाँ तक यहाँ पे देखो धीरे धीरे ऐसे कॉन्स्टेंट होती जा रही है, मतलब कि जब तक ये ग्राउंड तक पहुंचेगा, ये बॉल ऐसे ऊपर से आके नीचे ग्राउंड पे पहुंचेगा, तो उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी हो गई होगी उसी वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा। तो इसमें इसकी ये वाली जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी हो जा रही है, देखो दोस्तों यहाँ तक यहाँ या ये जो वेलोसिटी होगी वो टर्मिनल हो जाएगी क्योंकि यहाँ से वो स्ट्रेट लाइन हो जा रही है, ठीक है। तो अब ये कितने ब्लॉक है आप गिनोगे तो 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, ये पांच ब्लॉक है, ये पांच ब्लॉक है, ठीक है, ये पांच ब्लॉक है। तो और वाई पे एक ब्लॉक का कितना हमने निकाला था, वाई पे एक ब्लॉक का हमने निकाला था, वाई पे हमने स्केल निकाली थी 5, तो 5 ब्लॉक है और एक ब्लॉक का 5 है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया, इधर बाद में इधर जो इसकी वेलोसिटी होगी, इधर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड, तो मतलब ये टर्मिनल उसकी वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड, तो वो उसी मतलब उसी टर्मिनल वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। बेसिकली इसमें ये वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था कि कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि उसका एक्सीलरेशन नेट फोर्स जीरो हो गया, तो फोर्स इक्वल टू एम ए है तो एक्सीलरेशन भी जीरो हो जाएगा, समझ गए दोस्तों। तो ये आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ, टर्मिनल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, और मैंने एग्जाम्पल भी दिया, अगर इतनी ऊपर से गिर रही है कोई भी चीज पानी, तो वो नीचे आते आते तक उसकी एकदम जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ जाएगी, तो हमारे माथे पे गड्ढा भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं होता जनरली, तो उसका रीजन ये है कुछ समय के बाद ऊपर जो रेजिस्टिव फोर्स लगता है वो एम जी को बैलेंस कर देता है। आई होप आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा, और ये वाला जो पार्ट मैंने इधर ग्राफ में शो किया कि ये टर्मिनल वेलोसिटी ही रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी समझ में आया होगा। और हमने जो ये स्केल निकाली वाई एक्सिस की वो 10 थीटा मतलब इस लाइन का स्लोप देके निकाली। और हाँ दोस्तों, ये आपको अगर जी में डाउट है जी क्यों आया तो मैं वापस बता देता हूँ, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे दोस्तों वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, और वो टी इक्वल टू 2 सेकंड पे नजर आ रही है ग्राफ में। तो इसका मतलब ये है कि टी इक्वल टू 2 पे वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, और
हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है दोस्तों, वेलोसिटी जो होती है वो हमारी होती है जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी जीरो होती है, इसीलिए फोर्स ड्यू टू रेजिस्टिव और उसके कारण जो डेसिलरेशन हमें मिलता है वो माइनस के वी पावर एन होता है। पर वेलोसिटी अगर जीरो है तो पूरा डेसिलरेशन जीरो हो जाएगा, मतलब रेजिस्टिव फोर्स का कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टिव फोर्स का कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का अफेक्ट रह जाएगा और स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ मतलब वी बाई टी जो होगा उसका स्लोप होगा वो 10 थीटा के बराबर है, इतना आपको पता ही होगा। और तो स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ क्या हो जाए दोस्तों, ये तो हमने बस वही किया, इधर 2y है और इधर 2x है, y बाई एक्स इक्वल टू जी, और x की स्केल हमने निकाली ग्राफ में देख के जो कि क्लियरली विजिबल है, 0.5 आएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमने y की वैल्यू निकाली 5 और बाद में आगे की कहानी तो आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर हाँ दोस्तों, और एक चीज, अगर आप चैनल पे नए हो और आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर से एक बार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही आपके सामने मजेदार सॉल्यूशंस और पाथफाइंडर के इलस्ट्रेशन के सॉल्यूशन और नए नए चैप्टर और उसके इलस्ट्रेशन लाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आया और आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए।